ये देखिए, ये एलोवेरा का पौधा है। इसको आप छोटा सा टुकड़ा पौधे का, बहुत सारे निकल आते हैं आसपास, ले लीजिए अपने घर में, किसी भी छोटे बड़े गमले में लगा लीजिए। ये बहुत आसानी से लग जाता है, आपको इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, पर ये आपके घर में होना चाहिए। और एक ये देखिए, ये डाबर का च्यवनप्राश है। इसको हमें कैसे खाना है, हमें क्या करना है, सुबह उठ के ब्रश करिए, एक बड़ा चम्मच च्यवनप्राश ले लीजिए, उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। च्यवनप्राश क्या करेगा, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। बाजार के और भी च्यवनप्राश जो होते हैं, उनसे अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये पैसे से भी सही रहता है, इसमें शुगर भी कम होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एलोवेरा है अगर आपके घर में, एक पत्ती कट कर लीजिए छोटी सी, उसको धुल लीजिए चाकू की सहायता से, उसका एक छोटा सा भाग अंदर का, इसको जेल कहते हैं, निकाल लीजिए। हरे वाले हिस्से को नहीं इस्तेमाल करना है। एक गिलास गुनगुने पानी से इसको भी ले लीजिए। पहले आप च्यवनप्राश ले लीजिए एक बड़ा चम्मच, फिर एक गुनगुना, एक गिलास पानी, उसके बाद ये जेल ले लीजिए, इसको खा लीजिए। एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, ये आपको सुबह ब्रश करने के बाद ज़रूर खाना चाहिए। एलोवेरा क्या करता है, ये आपके पाचन को सही रखता है। आप दिन भर की जो डाइट ले रहे हैं उसमें मौजूद पोषक तत्वों को आपके शरीर में अब्जॉर्ब होने में मदद पहुंचाता है। अगर आप प्रोटीन से भरा कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, या रावे प्रोटीन ले रहे हैं, या प्रोटीन आइसोलेटेड ले रहे हैं, तब भी आप इसका यूज करिए। ये उसमें मौजूद प्रोटीन को आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, स्किन टाइट होती है, ग्लो करती है। ये नेचुरल सोर्स बहुत अच्छा है, ये आसानी से आपके घर में लग जाएगा। अगर आपके घर में नहीं है तो लगाने की कोशिश करिए, और वो भी नहीं संभव है तो आप बाज़ार से ले लीजिए। ये देखिए, ये अब कई सारे ब्रांड इसको निकाल रहे हैं इस समय। ये दोनों चीज़ें आपको सुबह पर डे आपको यूज करना चाहिए। च्यवनप्राश खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, एलोवेरा खाने से आपका पेट सही रहेगा, पोषक तत्वों को आपके शरीर में अब्जॉर्ब होने में ये मदद करेगा, और ये फैट बर्न में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और ये खाली पेट ही लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सुबह आपको ये दोनों चीज़ें खाली पेट ही लेनी है, वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। अगर आप च्यवनप्राश को रात में ले रहे हैं दूध के साथ, वो भी ठीक है, लेकिन इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके शरीर के लिए। तो मेरी राय यही है आज के लिए कि आप ये दोनों चीज़ें आप अपने सुबह के उसमें ज़रूर शामिल करिए। इसको खाने के आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, बीच में आप कोई भी हैवी चीज़, दूध वगैरह या फैटी चीज़ मत लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू।